हाँ जी चार्ज, हमने जब डिबेंचर वाला चैप्टर पढ़ा तो उसके अंदर कहा हुआ था कि जी आपको डिबेंचर्स इश्यू करने हैं तो सिक्योर्ड होने चाहिए। सिक्योर्ड का मतलब कंपनी की किसी एसेट के ऊपर आप चार्ज क्रिएट करो। तो चार्ज है क्या बेसिकली, राइट? अब चार्ज वर्ड को कंपनी लॉ में भी डिफाइन किया हुआ है, प्लस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी डिफाइन किया हुआ है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 100 चार्ज को कैसे डिफाइन कर रहा है, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन इज बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज और ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज या तो खुद पार्टीज या फिर बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ मेड सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर। तो बड़ी सिंपल सी बात कही, कहता है ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी के पास इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी चार्ज करवा दी। सिक्योरिटी का मतलब कहता है जी, सिक्योरिटी का मतलब यह है कि बी ए को पैसे देगा और ए ये पैसे वापस दे देगा। इस चीज की सिक्योरिटी क्या है, कहता है वो एसेट जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है। किसका चार्ज क्रिएट हुआ है, बी का। तो बेसिकली चार्ज और कुछ नहीं है, आप ये मान के चलिए रियल वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला चार्ज एसेट के चारों तरफ इकट्ठा हो गया कि बी कह रहा है भैया कोई और इस प्रॉपर्टी को टच मत करना वरना करंट लग जाएगा आपके। क्यों? क्योंकि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो मैंने क्या दे रखा है, ए को पैसा। इस पैसे की सिक्योरिटी है ये चार्ज जो इस एसेट पे क्रिएट हुआ है। अगर मेरा पैसा वापस नहीं मिला तो इस एसेट को सेल करके मैं अपना पैसा रिकवर कर सकता हूं, ठीक है जी। तो कहता है कि मेड सिक्योरिटी, क्या मेड सिक्योरिटी, कहता है जी एसेट्स। अब ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट तो मेनली इमोवेबल प्रॉपर्टी के साथ ही डील करता है, तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में तो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी ही चार्जेबल है, राइट? तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है वेयर इमोवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन इज बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज और द ऑपरेशन ऑफ लॉ मेड सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर एंड द ट्रांजेक्शन डज नॉट अमाउंट टू मोर्टगेज। मतलब वो ट्रांजेक्शन मोर्टगेज नहीं है, तो उस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि जी प्रॉपर्टी पे क्या क्रिएट हो गया, चार्ज। इसका मतलब ये भी समझना पड़ेगा कि मोर्टगेज क्या होता है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि इस टाइप की ट्रांजैक्शन अगर मोर्टगेज नहीं है तो क्या मान के चलेंगे, चार्ज, राइट? हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन चार्ज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आइदर बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक्ट ऑफ द पार्टीज का मतलब जहां पार्टीज ने खुद डिसाइड किया है, तो ए ने खुद बी को कहा कि जी मेरी इस एसेट के ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट कर देते हैं आपके नाम की, आप मुझे उसके बदले पैसे दे दीजिए, अगर मैंने आपको पैसे वापस नहीं दिए तो आप इस एसेट को सेल करके अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं, ये राइट मैं आपको दे रहा हूँ। वो राइट ही क्या है, सिक्योरिटी। वो राइट ही क्या है, सिक्योरिटी। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज और मे बी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्टगेज, मे बी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, मे बी इन द फॉर्म ऑफ। जब हम बात करते हैं मॉर्टगेज की, कि ये प्रॉपर्टी एक्स के पास गिरवी पड़ी है, तो जी एक्स का उसके ऊपर स्पेसिफिक लियन है, एक्स का उस प्रॉपर्टी के ऊपर स्पेसिफिक लियन है। स्पेसिफिक लियन का मतलब एक्स उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना लियन क्रिएट कर रहा है कि जब तक मेरे पैसे वापस नहीं आएंगे तब तक इस प्रॉपर्टी से डील नहीं किया जा सकता, राइट? और जनरली मॉर्टगेज के केस में सिर्फ लियन नहीं क्रिएट हो रहा बल्कि एक्स के पास राइट जा रहा है कि मेरे कब्जे में रहेगी प्रॉपर्टी, मेरे कब्जे में रहेगी। चार्ज के अंदर कहता है स्पेसिफिक लियन क्रिएट नहीं होता, चार्ज के अंदर जनरल लियन क्रिएट होता है। जनरल लियन का मतलब कि प्रॉपर्टी तेरे पास ही है तू यूज कर, लेकिन इसके ऊपर मेरा चार्ज है। जब तक मुझे लगेगा कि मेरे पैसे खतरे में नहीं है तब तक मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, तू यूज करता रहे प्रॉपर्टी को। जब मुझे लगेगा मेरे पैसे खतरे में है तो फिर मैं एक्शन लूंगा, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल करूंगा, उस प्रॉपर्टी को सेल करूंगा और अपने पैसे रिकवर। अरे बात समझ में, मॉर्टगेज के केस में मैं कह रहा हूं जी प्रॉपर्टी मेरी ही है, जब तक पैसे नहीं देगा तो मैं अपने अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता हूं। लेकिन चार्ज के केस में मैं कह रहा हूं जी प्रॉपर्टी आपकी ही है,
आप अपने अकॉर्डिंग यूज कीजिए। हाँ, जब मुझे लगेगा कि मेरे पैसे वापिस आने में दिक्कत है, फिर मैं बीच में स्टेप इन कर जाऊंगा, फिर मैं एक्शन लूंगा। ठीक है, तो कह रहे हैं जी, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज व्हेन इन अ ट्रांजेक्शन फॉर वैल्यू बोथ द पार्टीज डेटर एंड क्रेडिटर इंटेंड्स दैट द प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर शैल बी मेड अवेलेबल एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट एंड द क्रेडिटर शैल हैव प्रेजेंट राइट टू हैव इट मेड अवेलेबल। देयर इज अ, कहते हैं जी, प्रॉपर्टी आपके पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रेजेंट राइट है, आज की डेट में ही मेरा राइट क्रिएट हो रहा है कि अगर मुझे लगा कि पैसे वापस नहीं आएंगे तो मैं कूद पड़ूंगा मैदान में इस प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में करने के लिए। तो प्रेजेंट राइट फॉर फ्यूचर एक्शन, कि फ्यूचर में मैं आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता हूँ, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्शन ले सकता हूँ, राइट। पर राइट आज ही आ गया मेरे पास इस चीज का, तो प्रेजेंट राइट का मतलब क्लियर है। हाँ जी, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, कहता है जी, हो सकता है कि कोर्ट क्रिएट कर दे चार्ज, भाई ए ने बी के पैसे देने थे लेकिन पैसे दिए नहीं, कोर्ट ने कहा जी ए की इस प्रॉपर्टी पर बी का चार्ज क्रिएट है जब तक बी ए के पैसे नहीं देगा। तो नॉट बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज बट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, राइट, ऑन द अकाउंट ऑफ सम स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, दे आर नॉट क्रिएटेड वॉलंटरली बाय द पार्टीज बट अराइज एज द रिजल्ट ऑफ सम लीगल obligations. कंपनी लॉ में क्या डेफिनेशन है? कहता है जी, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज मींस एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और द एसेट्स ऑफ द, ऊपर टोपा में जो डेफिनेशन दी थी उसमें सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर की थी, कंपनी लॉ में प्रॉपर्टी कवर की हुई है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ चार्ज मे बी क्रिएटेड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऊपर टोपा ने कहा कि मोर्टगेज अलग है, चार्ज अलग है, कंपनी लॉ कहता है कि इंक्लूड्स मोर्टगेज, इसका मतलब कंपनी लॉ के अंदर मोर्टगेज और चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, आ जाइए जी, काइंड ऑफ चार्जेस, कहता है जब हम चार्ज पढ़ेंगे ना तो हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, बात खत्म, हम ए बी सी कुछ कंसिडर नहीं करेंगे, हम क्या कंसिडर करेंगे, कंपनी। ठीक है जी, अब कंपनीज एक्ट ने कहा जी देखिए कंपनी की मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, कंपनी की इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, राइट। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल स्टॉक इन ट्रेड, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि बिल्डिंग। कहता है जब चार्ज क्रिएट होगा तो इस चीज मैं पहले बता चुका हूं, दोनों ही केस के अंदर प्रॉपर्टी किसके हाथ में रहेगी, कंपनी के पास, जो चार्ज होल्डर है जिसका चार्ज क्रिएट हुआ है उसके पास क्या क्रिएट हुआ है, फॉर फ्यूचर एक्शन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। बाय, जब तक कंपनी डिफॉल्ट नहीं करेगी तब तक ये जो चार्ज होल्डर है कंपनी के किसी काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना वो इस प्रॉपर्टी पे अपना कोई हक जता सकता है, जब तक कंपनी डिफॉल्ट नहीं करेगी। अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस अगर कंपनी इस चार्ज होल्डर के पैसे वापस देती रहेगी तो कहते चार्ज होल्डर के पास कोई राइट नहीं है एक्शन लेने का। राइट कब आएगा, आज ही हम आपको बता रहे हैं राइट कब आएगा, जब कंपनी फ्यूचर में डिफॉल्ट करेगी। तो यू हैव प्रेजेंट राइट फॉर फ्यूचर एक्शन इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द कंपनी। आगे बात समझ में, राइट। तो कहता है जी मूवेबल, जैसे कि स्टॉक इन ट्रेड। अब जी स्टॉक इन ट्रेड पे अगर हम चार्ज क्रिएट कर दे, मान के चलो कंपनी के पास 5 करोड़ रुपए का स्टॉक इन ट्रेड है, तो क्या कंपनी से डील नहीं कर सकती? मैंने तो पहले ही कह दिया मूवेबल है या इमूवेबल है, कंपनी उसे डील कर सकती है, यूज कर सकती है। डील करने का क्या मतलब है कि कंपनी इसे सेल भी करेगी और न्यू स्टॉक भी आएगा, तो इसका मतलब आता जाता रहेगा का मतलब क्या हो गया, कहता है जो वैल्यू है वो एक्चुअल में फ्लक्चुएट करेगी, फ्लोट करेगी, कॉन्स्टेंट तो रहेगी नहीं वैल्यू, 5 करोड़ की वैल्यू 5 करोड़ तो रहेगी नहीं, नया स्टॉक बनता रहेगा, पुराना स्टॉक बिकता रहेगा, जो स्टॉक में रहेगा कंपनी के पास उसके ऊपर चार्ज माना जाएगा क्रिएटेड, लेकिन उसकी वैल्यू फ्लोट करेगी,
तो इस टाइप में अगर चार्ज क्रिएट हो रहा है तो उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग चार्ज, उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग। लेकिन अगर बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएट कर रहे हैं तो क्या बिल्डिंग कम ज्यादा हो सकती है, कहता है ये फिक्स्ड एसेट है और इसके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होगा वो कौन सा होगा, फिक्स्ड चार्ज, वो कौन सा होगा, फिक्स्ड चार्ज। तो कहता है जी फिक्स्ड चार्ज हो सकता है, स्पेसिफिक चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैं कह रहा हूं जी कंपनी इस स्टॉक को सेल कर सकती है, न्यू स्टॉक ऐड कर सकती है, तो क्या आप स्टॉक की कोई एक ऐसी यूनिट के ऊपर उंगली रख के कह सकते हो कि इस यूनिट पे मेरा चार्ज है? कोई स्पेसिफिक यूनिट पे हाथ नहीं रख सकते, लेकिन जब बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएट हो रहा है तो क्या आप बिल्डिंग पे हाथ रख के कह सकते हो कि इस पे मेरा चार्ज है? तो कहता है इस केस में जहां पर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हो रहा है कौन सा लियन क्रिएट हो रहा है, जनरल, कौन सा लियन क्रिएट हो रहा है, जनरल, लेकिन इस केस में कौन सा लियन क्रिएट हो रहा है, स्पेसिफिक। अ चार्ज इज कॉल्ड फिक्स्ड और स्पेसिफिक व्हेन इट इज क्रिएटेड टू कवर एसेट्स व्हिच आर असर्टेन एंड डेफिनेट और आर कैपेबल ऑफ बीइंग असर्टेन और डेफिनेट एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द चार्ज, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। अ फिक्स्ड चार्ज देयरफॉर इज द सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड द कंपनी गिव्स अप इट्स राइट टू डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी अंटिल द चार्ज इज। इस लाइन को ऐसे ही कंस्ट्रूड मत करना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब तक कंपनी डिफॉल्ट नहीं करती तब तक चार्ज होल्डर का कोई राइट नहीं, ये बात क्लियर है? तो कंपनी इस बिल्डिंग को सेल कर सकती है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड, द आंसर इज यस। हाईलाइट करके कह रहा हूं यस, चार्ज जिस बिल्डिंग पे क्रिएटेड है उसको सेल किया जा सकता है बाय द कंपनी। कहता है ये कंपनी वन थी जिसने ये प्रॉपर्टी किसको सेल कर दी, कंपनी टू को, लेकिन इस पे तो चार्ज क्रिएटेड है। लो ने कहा तो क्या हो गया, लो ने कहा तो क्या हो गया, अगर चार्ज क्रिएट कर रखा है तो इस चार्ज को आरओसी के पास आप रजिस्टर करवा दो। आरओसी के पास रजिस्टर हो गया चार्ज, प्लस अगर फिक्स्ड प्रॉपर्टी की बात है तो क्या इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, डेफिनेटली एप्लीकेबल होगा, ठीक है? तो जी ये दो जगह आप रजिस्टर करवा दो कि जी इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक्स का चार्ज है, कंपनी वन की इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक्स का चार्ज है, और जो डिटेल्स है चार्ज की कि जी कंपनी ने एक्स से इतने पैसे लिए हैं, इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे लिए हैं, इस तरह से कंपनी रिपे करेगी, ये सब चीजें आप रजिस्टर करवा दो। एक बार आरओसी के पास कोई भी चीज रजिस्टर हो गई तो क्या मान के चलेंगे कि लोगों को उस इंफॉर्मेशन का नोटिस है, ये मान के चलते हम। तो लो ने कहा जी क्या फर्क पड़ता है अगर कंपनी का चार्ज क्रिएटेड है, जब कंपनी दूसरी कंपनी को बेचेगी और वो चार्ज रजिस्टर्ड होगा तो मान के चला जाएगा कि इस कंपनी को ऑलरेडी पता है कि ये जो बिल्डिंग परचेज कर रही है उसके ऊपर एक्स का चार्ज। मान के चलो बिल्डिंग की कीमत 1 करोड़ रुपए, एक्स का चार्ज कितना है, 50 लाख से रिलेटेड, 50 लाख से रिलेटेड, तो मान के चला जाएगा भाई सेकेंड कंपनी को ये पता है कि अभी इस बिल्डिंग पे 50 लाख रुपए एक्स का देना है, तो जो सेकंड कंपनी है वो अकॉर्डिंगली ही बिल्डिंग को परचेज करेगी, वैल्यूएशन अकॉर्डिंगली करेगी। तो जब ये कंपनी से इस कंपनी के पास बिल्डिंग बिक जाएगी तो फिर इसकी बिल्डिंग पर एक्स का चार्ज क्रिएटेड माना जाएगा। तो कहता है चार्ज तो बिल्डिंग के ऊपर है, साथ साथ चलेगा, जहां जहां बिल्डिंग जाएगी साथ साथ चार्ज चलेगा जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा। तो क्या कंपनी बेच नहीं सकती, कंपनी बेच सकती है, राइट? इट शुड बी नोटेड दैट कंपनी कैन डील विद और यूज सच प्रॉपर्टी, द चार्ज होल्डर गेट्स द प्रायोरिटी ओवर द ऑल सब्सिक्वेंट ट्रांसफरीज एक्सेप्ट अ बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर द कंसिडरेशन विदाउट द नोटिस ऑफ अर्लियर। अगर ये आरओसी के पास रजिस्टर ना करवाया होता चार्ज, फिर क्या ये मान के चलते कि सेकेंड कंपनी को इस चार्ज के बारे में नॉलेज है? द आंसर इज नो। उस केस में लोग कहता है भैया इसका राइट पहला, तुमने क्यों नहीं रजिस्टर करवाया? लोग कहता है चलो मान लिया कंपनी ने नहीं रजिस्टर करवाया, भैया तू तो करवा सकता था, लोग ने ये परमिशन दी हुई है कि चार्ज होल्डर खुद भी रजिस्टर करवा सकता है। अगर तू भी नेग्लिजेंट हो, मतलब इस केस को लेके निग्लेक्ट कर रहे है, ये भाई साहब भी नेग्लिजेंट हो गए, तो इसकी क्या गलती? फिर तो इसकी कोई गलती नहीं, फिर तो राइट किसका जाएगा पहला? लेकिन अगर चार्ज रजिस्टर्ड है आरओसी के पास तो मान के चला जाएगा अब जो भी बंदा इस प्रॉपर्टी के साथ डील करेगा उसके पास कंस्ट्रक्टिव नोटिस है,
उसको पता है कि इस प्रॉपर्टी पर एक्स का चार्ज है और ये पता होते हुआते वो परचेज कर रहा है, तो भैया अब वो एक्स के पैसे आपको देने पड़ेंगे, आपकी प्रॉपर्टी हो गई तो मान के चला जाएगा आपकी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है। बात समझ में आ रही है? तो जी क्या इस वाली कंपनी को चार्ज अपने नाम पर करवाना पड़ेगा? द आंसर इज यस, इस कंपनी का चार्ज सेटिस्फाइड हो जाएगा आरओसी के रिकॉर्ड्स में, इस कंपनी का चार्ज क्रिएट हो जाएगा क्योंकि बिल्डिंग किसकी, अब इस कंपनी की, समझ रहे हो? लेकिन अगर नोटिस नहीं है सामने वाले के पास, नोटिस कब नहीं होगा? जब आपने रजिस्टर नहीं करवाया, नोटिस नहीं है, फिर भैया इसका हाथ ऊपर है, फिर परचेज करने वाला का हाथ ऊपर है, क्योंकि ये क्या है, फोर, ठीक है। वाइंडिंग अप के केस में डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय स्पेसिफिक चार्ज विल प्लेस्ड इन द हाईएस्ट रैंकिंग क्लास ऑफ फ्लोटिंग, ये तो फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज हमने क्या पढ़ा है, कहता है जो फ्लक्चुएटिंग टाइप की एसेट्स के ऊपर क्रिएट किया जाए, जैसे कि एंड दस इज नेसेसरली, आप ये तो कह सकते हो जी मेरा हक है, पर उंगली नहीं रख सकते किस पे हक है। ये तो कह सकते हो स्टॉक के ऊपर मेरा 2 करोड़ का चार्ज क्रिएटेड है, पर आप किसी पर्टिकुलर यूनिट पे उंगली रख के नहीं कह सकते कि इस यूनिट पर मेरा 2 करोड़ का चार्ज क्रिएटेड है, क्योंकि वो आता रहेगा जाता रहेगा, राइट। इसलिए यहां पर कौन सा लियन है, इक्विटेबल, राइट। अ फ्लोटिंग चार्ज इज अ चार्ज ऑन द क्लास ऑफ एसेट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन विच द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज चेंजिंग फ्रॉम विच इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू, तो इवन क्या फ्यूचर एसेट्स पे भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है? द आंसर इज यस, कंपनी लोग कहता है कि इवन उस एसेट पे भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है जो अभी कंपनी की नहीं है, जैसे कि कंपनी का हक है उस एसेट पे लेकिन अभी कंपनी के हाथ में नहीं है, अनपेड कॉल्स, अनकॉल्ड मनी, अभी शेयर होल्डर से कितने पैसे मंगाए हैं, 10 में से 5, बाकी मंगाए नहीं, तो ये क्या है, फ्यूचर में कंपनी के पास आएंगे, इवन अनकॉल्ड मनी के ऊपर भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है जी। द कंपनी इज फ्री टू डील विद द प्रॉपर्टी एज इट सीज फिट अंटिल द होल्डर्स ऑफ चार्ज टेक स्टेप्स टू एनफोर्स देयर सिक्योरिटी। अब यहां पर ना इन दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो, यहां पर हम उंगली रख के कह सकते हैं इस बिल्डिंग पर मेरा हक है, यहां पर हम उंगली रख के नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर स्टॉक की यूनिट पर मेरा हक है, क्योंकि ये फ्लोटिंग है, ठीक है। लो कहता है कि अगर इसी एसेट पर फिक्स चार्ज क्रिएट करना चाहे तो कंपनी कर सकती है, मतलब पहला कौन सा चार्ज क्रिएट कर दिया, फ्लोटिंग, अब कौन सा चार्ज क्रिएट करना चाहती है, स्टॉक मान के चलते हैं 10 करोड़ का, फ्लोटिंग चार्ज था 5 करोड़ का, अभी भी कितने की वैल्यू फ्री है, 5 करोड़ की वैल्यू फ्री है, उस 5 करोड़ के नाम का कौन सा चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, फिक्स्ड। तो जी ये फिक्स्ड हो गया और ये क्या हो गया, यहां तक क्लियर? कहता है जी किसका राइट पहला होगा उसके ऊपर, चाहे फिक्स्ड चार्ज बाद में क्रिएट हुआ है फिर भी राइट किसका पहला होगा, क्यों, एक बार फिक्स्ड चार्ज क्रिएट हो गया फिर क्या स्टॉक को वो इस तरह से मूव करवा सकते हैं, फिर उन्हें स्टॉक अपने पास फिक्स रखना पड़ेगा, ठीक है। और फिक्स चार्ज होल्डर उंगली रख के कह सकता है इस पे किसका चार्ज क्रिएटेड है, मेरा, जबकि फ्लोटिंग चार्ज होल्डर उंगली रखकर नहीं बोल सकता। बात समझ में आ रही है? लेकिन मान के चलो फ्लोटिंग चार्ज होल्डर को दिखाई दे रहा है यार कंपनी की हालत खराब होती जा रही है, और हो सकता है फ्यूचर में जाके हमारे पैसे दे पाए या ना दे पाए, ये भाई साहब सीधा मैदान में कूदेंगे, रुक जाओ भाई, रोक दो पूरा स्टॉक, अब इसके ऊपर मेरा चार्ज है, मतलब वो जो बहता हुआ स्टॉक था रुकवा दिया और रुकवाने के बाद उसके ऊपर उंगली रख दी, ये मेरी है, इसके ऊपर मेरा हक है, मेरे पहले पैसे दो बाद में इसके साथ डील करना। तो जैसे ही उन्होंने रुकवा दिया, बीच में एक्शन ले लिया, तो वो फ्लोटिंग चार्ज क्या बन गया, फिक्स्ड, वो फ्लोटिंग चार्ज क्या बन गया, फिक्स्ड। इसे ही हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज,
कंपनी लोगों ने कहा जो ये फ्लोटिंग चार्ज है ये जली की तरह है, कम ज़्यादा इधर उधर होता रहता है, लेकिन जब इस जली को क्रिस्टलाइज कर देंगे, फिक्स कर देंगे कि अब ये कम ज़्यादा नहीं हो सकता, तो फ्लोटिंग चार्ज क्या बन जाएगा? तो इस कंसेप्ट को नाम क्या दिया गया? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। कहता है फ्लोटिंग चार्ज इज नॉट अ फ्यूचर सिक्योरिटी, इट इज द प्रेजेंट सिक्योरिटी विच प्रेजेंटली अफेक्ट्स ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी एक्सप्रेस टू बी इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इट इज नॉट अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी, द होल्डर ऑफ सच चार्ज कैन नॉट अफर्म दैट द एसेट्स आर स्पेसिफिकली मोर्टगेज टू, उंगली रख के बोल ही नहीं सकता ये मेरे को मोर्टगेज की हुई है, राइट। द एसेट्स आर मोर्टगेज इन सच ए वे दैट द मोर्टगेजर मतलब कंपनी कैन डील विद देम विदाउट द कॉन्क्यूरेंस ऑफ द चार्ज होल्डर। तो फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में डिफरेंस क्लियर है? Yes. कहता है इट इज मेड स्पेसिफिकली टू कवर एसेट्स विच आर असर्टेन एंड डेफिनेट, मतलब फिक्स्ड एसेट की बात कर रहे हैं, जबकि फ्लोटिंग चार्ज के केस में इट इज अ चार्ज ऑन द क्लास ऑफ एसेट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट भी हो सकती है फ्यूचर भी हो सकती है, विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। कहता है हेयर कंपनी लूजेज इट्स राइट्स टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी एज, हम ये नहीं कह रहे दोबारा रिपीट करूं कि बेच नहीं सकते, बेच सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के साथ साथ क्या ट्रेवल करेगा? चार्ज। तो मतलब अनएनकम्बर्ड नहीं बेच सकते, फ्री फ्रॉम चार्ज नहीं बेच सकते। अनएनकम्बर्ड का मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम चार्ज नहीं बेच सकते, राइट। लेकिन फ्लोटिंग चार्ज के केस में अगर हम स्टॉक बेच रहे हैं तो क्या स्टॉक पर कोई चार्ज होगा जो परचेज किया जिसने? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? अनएनकम्बर्ड बेच सकते हैं टिल क्लियर है। वाइंडिंग अप के केस में फिक्स चार्ज होल्डर की पोजीशन फ्लोटिंग चार्ज होल्डर से ऊपर होगी, राइट। तो इन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय द स्पेसिफिक चार्ज, फिक्स चार्ज हो गया स्पेसिफिक चार्ज, विल बी प्लेस्ड इन द हाईएस्ट रैंकिंग क्लास ऑफ क्रेडिटर। जबकि फ्लोटिंग चार्ज होल्डर के केस में तो कौन सा चार्ज होता है? इक्विटेबल चार्ज, राइट। तो when the floating charge crystallizes it becomes fixed and the asset comprises therein are subject to same restriction as fixed charge। आ जाओ जी, कहता है if a company has created any charge on its property the company may sell the whole of its undertaking if that is one of the objects specified in its MOA। अब इसी बात को क्वेश्चन पेपर में घुमा के पूछ ले, फिरा के पूछ ले, केस लो बना के पूछ ले, क्या फर्क पड़ता है? जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर है कि कंपनी की प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है तब भी कंपनी उस प्रॉपर्टी को सेल, ठीक है। कंपनी कैन क्रिएट फिक्स चार्ज सब्जेक्ट सब्सिक्वेंट टू फ्लोटिंग चार्ज, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सेम एसेट के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करने के बाद भी फिक्स चार्ज क्रिएट, एंड इन सच केस फिक्स चार्ज होल्डर विल हैव प्रायोरिटी ओवर द फ्लोटिंग चार्ज। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट समझ में आ गया? कहता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज मीन्स कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू द, तो किस केस में हो जाएगा क्रिस्टलाइज? व्हेन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप, व्हेन कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन द बिजनेस, व्हेन क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर्स टेक स्टेप टू एनफोर्स देयर सिक्योरिटी बाय अपॉइंटिंग रिसीवर टू टेक द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज, या ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट स्पेसिफाइड इन द डीड। तो कुल मिला के जब भी ऐसा होगा कि कंपनी बंद होने जा रही है, कंपनी बिजनेस बंद करने जा रही है, या फिर डिबेंचर होल्डर खुद कूद पड़े एक्शन लेने के लिए, या फिर कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जो कि डीड में ट्रस्ट डीड पड़ी थी लास्ट चैप्टर में, कि जब भी चार्ज क्रिएट होगा डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट किए जाएंगे, उनके नाम पर ट्रस्ट डीड उनके साथ एग्जीक्यूट की जाएगी, तो ट्रस्ट डीड में कोई ऐसा इवेंट स्पेसिफाइड है कि अगर ये हुआ तो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है इन केसेस के अंदर क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइज्ड चार्ज क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइज्ड, राइट। लेकिन ना यहाँ पर बड़ी तेजी से कूदना पड़ेगा, जैसे ही न्यूज़ मिली कंपनी वाइंड अप होने जा रही है सबसे पहले अपना राइट जमा दो उसके ऊपर, क्योंकि अगर आपके राइट जमाने से पहले कोई और पहुँच गया तो उसका राइट पहला है आपका फ्लोटिंग चार्ज केस में। फिक्स चार्ज केस में कोई फर्क नहीं पड़ता कोई पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन फ्लोटिंग चार्ज केस में अब जैसे मान के चलो कंपनी ने अपने स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया हुआ था चार्ज होल्डर,
फिर कंपनी ने रेंट भी देना था लेट से एक्स को, इससे पहले के चार्ज होल्डर अपने फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स्ड में क्रिस्टलाइज करते, ये जो लैंडलॉर्ड था ये पहुंच गया कोर्ट में कि जी कंपनी ने मेरे इतने टाइम से पैसे नहीं दिए। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जी कंपनी के स्टॉक इन ट्रेड को बेचकर लैंडलॉर्ड को पैसे दो। तो भैया इन्होंने क्रिस्टलाइज करने के लिए स्टेप नहीं लिया था, पहले ये नहीं पहुंचे कोर्ट में, तो किसका राइट पहले आ गया? ठीक है, कहता है डिबेंचर्स क्रिएटेड अ फ्लोटिंग चार्ज, 3 months इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू बट डिबेंचर होल्डर्स टुक नो स्टेप एंड सो द चार्ज डिड नॉट क्रिस्टलाइज एंड रिमेन्ड फ्लोटिंग। जब डिबेंचर होल्डर्स ने स्टेप ही नहीं लिया, राइट, कंपनी देन मेड अ मोर्टगेज ऑन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। तो बाद में कंपनी ने मोर्टगेज क्रिएट कर दिया, और मोर्टगेज का मतलब फिक्स चार्ज। तो जी ये कहा गया कि मोर्टगेज ही हैड प्रायोरिटी, मोर्टगेज ही हैड, ठीक है। इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कहता है ऑन क्रिस्टलाइजेशन द फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू द फिक्स्ड चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, इट हैज प्रायोरिटी ओवर ऑल अदर सब्सिक्वेंट इक्विटेबल चार्ज एंड अदर अनसिक्योर्ड। पोस्टपोनमेंट ऑफ फिक्स्ड चार्ज, पोस्टपोनमेंट का मतलब क्या है? फ्लोटिंग चार्ज पोस्टपोनमेंट का मतलब क्या है? कहता है कि भाई चार्ज होल्डर को पीछे हटा दिया गया, बीच में कौन आ गया? हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस किया, बीच में कौन आ गया? लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड आ गया बीच में। तो जो चार्ज होल्डर थे, फ्लोटिंग चार्ज होल्डर, उनका राइट क्या हो गया? पोस्टपोन्ड। तो जी कहता है द क्रिएशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज लीव्स द कंपनी फ्री टू क्रिएट लीगल एंड इक्विटेबल मोर्टगेज ऑन द सेम प्रॉपर्टी अंटिल द फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिस्टलाइज्ड। सेम प्रॉपर्टी के ऊपर दोबारा चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। वेयर सच अ मोर्टगेज इज क्रिएटेड इट हैज द प्रायोरिटी ओवर द फ्लोटिंग चार्ज विच गेट्स पोस्टपोन्डेड। अब आपका राइट, फ्लोटिंग चार्ज होल्डर का राइट तो क्या हो गया? पोस्टपोन्ड, राइट। द फ्लोटिंग चार्ज इज पोस्टपोन्डेड इन फेवर ऑफ द फॉलोइंग पर्संस। कब कब? एक तो एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं, क्रेडिटर हु ऑब्टेन्स एब्सोल्यूट डिक्री फ्रॉम द, एब्सोल्यूट डिक्री का मतलब इनका सामान बेचो और क्रेडिटर के पैसे दो, ठीक है। अ जजमेंट क्रेडिटर, जजमेंट क्रेडिटर का मतलब कि अगर कंपनी के पैसे नहीं दिए गए तो कंपनी, अगर एक्स के पैसे नहीं दिए गए तो कंपनी का सामान बेचकर पैसे रिकवर कर सकता है एक्स। तो यहां पर एब्सोल्यूट डिक्री नहीं है कि कंपनी का सामान बेचो और पैसे दो, यहां पर कंडीशन क्या है? अगर कंपनी ने इतने टाइम में पैसे नहीं दिए तो कंपनी का सामान बेचकर पैसे रिकवर। तो मतलब क्या हुआ कि जो जजमेंट दी कोर्ट ने, उस जजमेंट में कंपनी का सामान अटैच कर दिया, जजमेंट में कंपनी का सामान अटैच कर दिया कि अगर कंपनी ने पैसे नहीं दिए तो जो ये सामान की बात हम कर रहे हैं इसे बेचकर क्रेडिटर के पैसे दिए जा सकते हैं। तो वो क्या हो गया? जजमेंट क्रेडिटर हु अटैचेस गुड्स ऑफ द कंपनी एंड गेट देम सो, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर वर्ड आ गया था ना बीच में, अगर कंपनी ने इतने टाइम में पैसे नहीं दिए तो सेल किया जा सकता है। कहता है जी यहां पर तो जजमेंट आई थी और इतना टाइम मिला था, लेट्स से 3 months मिले थे कंपनी को पैसे देने के लिए क्रेडिटर को। जैसे ही जजमेंट आई, बीच में फ्लोटिंग चार्ज होल्डर कूद पड़े। अब यहां पर राइट तो नहीं आया था ना क्रेडिटर के पास सेल करके पैसे रिकवर करने का, लेकिन बीच में कौन कूद पड़े? फ्लोटिंग चार्ज होल्डर। तो कहता है उस केस में फिर फ्लोटिंग चार्ज होल्डर की प्रायोरिटी हो जाएगी, उस केस में फिर फ्लोटिंग चार्ज होल्डर की। ये बात समझ में आ गई? कहता है जजमेंट क्रेडिटर के केस में टाइम मिलता है कंपनी को, इतने टाइम तक पैसे दोगे तो ठीक है, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी यहां पर सेल करके क्रेडिटर को पैसे दे दिए जाएंगे। बीच में फ्लोटिंग चार्ज होल्डर कूद पड़े कि नहीं जी इस प्रॉपर्टी पे तो हमारा चार्ज क्रिएटेड है, फिर कहता है अभी तक उनके पास सेल करने का राइट तो नहीं आता ना क्रेडिटर के पास, बीच में फ्लोटिंग चार्ज होल्डर ने क्या कर दिया? उसे क्रिस्टलाइज, फिर प्रायोरिटी किसकी आ जाएगी? फ्लोटिंग चार्ज होल्डर की। लेकिन जहां एब्सोल्यूट डिक्री है, कोर्ट ने कह दिया बेचोर पैसे दो, वहां तो कूदने का मौका ही नहीं मिला, वहां तो फ्लोटिंग चार्ज होल्डर को बीच में कूदने का मौका ही नहीं मिला। एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी एज वेल एज अदर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इन द इवेंट ऑफ, तो जी जब वाइंडिंग अप होगी तो फ्लोटिंग चार्ज होल्डर से पहले किसके पैसे दिए जाएंगे?
अगर कुछ बकाया है तो एम्प्लॉइज़ का, प्लस स्टैचुटरी अथॉरिटीज़ के पैसे दिए जाएंगे, अदर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, स्टैचुटरी अथॉरिटी, इनकम टैक्स वाला को कुछ देना है तो पहले वो दिया जाएगा, बाद में कुछ बचेगा तो फ्लोटिंग चार्ज होल्डर को, ठीक है। द सप्लायर ऑफ गुड्स टू द कंपनी अंडर किस टर्म पर, कि जब तक पैसे पूरे नहीं आ जाएंगे तब तक ओनरशिप किसकी रहेगी, सेलर की, तब तक ओनरशिप किसकी रहेगी, हायर परचेज में तो यही होता है ना कि आप जो चीज यूज कर रहे हो मान के चलो उसके नाम की आप हायर चार्जेस दे रहे हो, जब सारे पैसे आप दे देते हो तब आपके पास ऑप्शन आती है आप चाहते हो तो अपने नाम पर ट्रांसफर, कहता है इनकी प्रायोरिटी पहले है अगेंस्ट द फ्लोटिंग चार्ज होल्डर, ठीक है। तो ये केसेस याद रहेंगे, आ जाओ जी, इनवैलिडिटी ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, कहता है क्या कंपनी फ्रॉडुलेंट वे में फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर सकती है। फ्रॉडुलेंट वे का मतलब क्या है, कि कंपनी को पता चल रहा है यार हमारी हालत खस्ता है और हम लोग वाइंड अप की पोजीशन में जा रहे हैं, और जब वाइंड अप होगा तो कंपनी की सारी एसेट्स बेचकर किसको पैसा दे दिया जाएगा, क्रेडिटर्स को, तो क्यों ना कंपनी की एसेट्स पर पहले ही क्या क्रिएट कर दे, चार्ज क्रिएट कर दे किसी के नाम पर, ताकि कोर्ट वो एसेट बेचकर क्रेडिटर को पैसा ना दे सके। तो जी यहां पर तो कंपनी की इंटेंशन क्या हो गई, फ्रॉडुलेंट हो गई। तो कंपनी लो ने भी ये बात समझी और कंपनी लो ने कहा जी देखिए मान के चलिए आपकी कंपनी यहां पर वाइंडिंग अप प्रोसेस में जा रही है, ठीक है, और जो चार्ज क्रिएट हुआ है वो कब हुआ है, विद इन जिस डेट को वाइंडिंग अप प्रोसेस में जा रही है उस डेट से कितने टाइम के अंदर, विद इन वन ईयर, तो आपका चार्ज तब वैलिड माना जाएगा। वैलिड कब माना जाएगा, या तो ये शो करो कि जब आपने चार्ज क्रिएट किया था तब कंपनी सॉल्वेंट थी, आफ्टर सॉल्वेंट का मतलब क्या हो, यहां पर कहता है चार्ज क्रिएट होने के बाद भी कंपनी की पोजीशन थी कि वो सारे क्रेडिटर्स के पैसे दे सकती थी, या तो ये शो करो, राइट, या फिर ये शो करो कि जो चार्ज आपने क्रिएट किया है उसके बदले एक्चुअल में कंपनी को क्या मिला है, कैश, फिर तो माना जाएगा कि वैलिड चार्ज, अदरवाइज माना जाएगा, और ये माना जाएगा कि कंपनी की फ्रॉडुलेंट इंटेंशन थी, जानबूझकर एवे फ्रॉड में चार्ज क्रिएट कर दिया ताकि वाइंडिंग अप के टाइम पर एसेट्स को सेल करके क्रेडिटर्स के पैसे ना दिए जा सके। क्यों, क्योंकि जनरली मेजर शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, डायरेक्टर्स, वो सोच रहे हैं कि चलो किसी अपने में से किसी नाम पर चार्ज क्रिएट कर देते हैं ताकि क्रेडिटर्स के पैसे ना दिए जा सके वाइंडिंग अप के टाइम पर, और हम कह देंगे हमारा चार्ज क्रेडिट एसेट पे और ये एसेट बेच के हम ही पैसे मिल जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो जी लॉ ने सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन का नाम क्या है, नंबर क्या है, 332। अब फ्लोटिंग चार्ज विच इज क्रिएटेड विद इन इमीडिएटली प्रोसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसेस ऑफ द कंपनी शैल बी इनवैलिड अनलेस इट इज प्रूव दैट द कंपनी वॉज सॉल्वेंट इमीडिएटली आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द चार्ज, कहता है या फिर कंपनी के पास एक्चुअल में क्या आयो, पैसे, कैश, कहता है जिसने उस चार्ज के बदले कंपनी को एक्चुअल में कैश दिया है वो वैलिड है, कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पर उसे पैसे भी देगी वापस, प्लस उस पैसे पे 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी देगी, ठीक है। बट चार्ज विल बी वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी कैश पेड टू द कंपनी एट द टाइम ऑफ और आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द चार्ज, राइट, टूगेदर विद द इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम, क्लियर है। तो जी दो कंडीशन याद रहेगी, या तो ये शो करो कि आप सॉल्वेंट थे, या फिर ये शो करो कि आपके पास एक्चुअल में कैश, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन शो नहीं हो रही तो आपका वो चार्ज क्या माना जाएगा, इनवैलिड। यहां तक कोई डाउट, चले आगे आ जाओ जी। रिस्ट्रेंट ऑन द पावर टू क्रिएट चार्ज
with priority to a floating. हमने डिबेंचर्स वाले चैप्टर में पारी पासू क्लोज के बारे में पढ़ा था, और पारी पासू क्लोज क्या होता है के सारे सेम फुटिंग पर स्टैंड करते हैं, सेम पोजीशन पर है सारे, ना तू बड़ा ना मैं छोटा, ठीक है। और जनरली जनरली कंपनी जब भी डिबेंचर्स वगैरह इशू करती है तो पारी पासू क्लोज डाल देती है, राइट। अब मान के चलो कंपनी ने अपनी एसेट्स के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया अगेंस्ट अगेंस्ट नहीं इन फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, मतलब बट ऑब्वियसली बात है चार्ज तो किसके नाम पे क्रिएट होता है, ट्रस्टीज के नाम पे। ये तो आपको बताने के लिए कि जी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे थे तो उसके लिए कंपनी ने क्या क्रिएट कर दिया, फ्लोटिंग, और कंपनी ने उसमें डाल दिया पारी पासू क्लोज, कंपनी ने उसमें डाल दिया पारी पासू क्लोज। पारी पासू क्लोज का मतलब अब सारे क्या होंगे, और बाद में कंपनी ने उसी एसेट के ऊपर जिसके ऊपर कंपनी ने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया था उसी एसेट के ऊपर फिक्स चार्ज क्रिएट कर दिया, उसी एसेट के ऊपर। अब ये फिक्स चार्ज होल्डर कह रहे जी हमारी प्रायोरिटी है, द आंसर इज नो, क्यों, क्योंकि पहले ही कौन सा क्लोज डाला हुआ है, पारी पासू क्लोज। तो अगर पारी पासू क्लोज डाला हुआ है तो उस केस में सबका सेम राइट माना जाएगा, फिक्स चार्ज होल्डर का भी राइट फ्लोटिंग चार्ज होल्डर से ऊपर। कहता है एज द फ्लोटिंग चार्ज अलाउज वाइड पावर टू द कंपनी टू डील विद इट्स प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द फ्लोटिंग चार्ज, इट इज कॉमन टू इंसर्ट अ क्लोज रिस्ट्रिक्टिंग द पावर ऑफ द कंपनी टू क्रिएट चार्ज विद द प्रायोरिटी टू और पारी पासू विद इट, राइट। तो जी चार्ज होल्डर यहाँ पर क्या करते हैं जनरली फ्लोटिंग चार्ज के केस में, कहते हैं कि जी पारी पासू क्लोज डाल दो। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको दोबारा चार्ज नहीं क्रिएट कर सकते इस पर, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इस पर क्या डाल दो, पारी पासू, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चार्ज क्रिएट किया जा रहा है उसके अंदर एक पारी पासू क्लोज डाल दो। और एक बार पारी पासू क्लोज गया तो फिर तो सारे क्या है, सेम फिटिंग में। दस इफ कंपनी क्रिएट्स अ मॉर्गेज इन द फेवर ऑफ अ पर्सन हु हैज नोटिस ऑफ द फ्लोटिंग चार्ज एंड रिस्ट्रिक्शन की पारी पासू क्लोज है, सच पर्सन रैंक आफ्टर द, बट अगर पर्सन ये शो कर दे कि ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्लोटिंग चार्ज, या देयर दैट दो ही वॉज अवेयर ऑफ द चार्ज ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द, इट इज एंटाइटल्ड टू प्रायोरिटी बाय द वर्च्यू ऑफ लीगल। और ये चीज कब शो होगी, जब वो चार्ज आर ओ सी के पास रजिस्टर नहीं होगा। अगर रजिस्टर है और जो इंस्ट्रूमेंट हमने उस वक्त रजिस्टर करवाया आर ओ सी के पास उसमें लिखा हुआ है पारी पासू क्लोज, फिर तो आप ये प्रूव कर ही नहीं सकते ना कि मुझे पता नहीं था या मुझे रिस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं पता था, राइट। फर्दर मोर वेयर स्पेसिफिक चार्ज इज क्रिएटेड एक्सप्रेसली सब्जेक्ट टू फ्लोटिंग चार्ज द स्पेसिफिक चार्ज इज पोस्टपोन्डेड, जहाँ क्लियर कट इंस्ट्रूमेंट में ही लिख दिया कि जी इस प्रॉपर्टी पर पहले फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हुआ हुआ है और उनका राइट पहला ही रहेगा, क्लियर कट लिख दिया कि उनका राइट पहला ही, फिर चाहे उस प्रॉपर्टी पे फिक्स चार्ज भी क्रिएट कर दो तब भी फ्लोटिंग चार्ज होल्डर का राइट ही पहला, क्लियर है यहां तक कोई डाउट।